आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में दी, इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज दिन परमेश्वर ने हमें खतरे, मुसीबतों से, परेशानियों से, विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से और जानलेवा बीमारियों से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 3:4 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमेन। सच में इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे कहता है कि सच में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी विनती निवेदनों को उसके सम्मुख रखते हैं, तो वो हमारी सुनकर हमें उत्तर देता है। सच में हमारे जीवन में उत्तर सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि वो सुनता है तो हमें उत्तर मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, और जो लोग हमें मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स करते हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। निरंतर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम धन्यवादी हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तुझे आदर मिले, तुझे महिमा मिले परमेश्वर पिता, क्योंकि महिमा, आदर और सम्मान के योग्य आप हैं परमेश्वर। प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तहे दिल से परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे उद्धार करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे यीशु, हम उन सब को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं परमेश्वर। हर एक को आपकी मौजूदगी में लेकर आते हैं प्रभु पिता। हर एक को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी मौजूदगी इस समय प्रभु हर एक के साथ में हुई है प्रभु। हम हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता। हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह हो प्रभु, हर एक के जीवन पर आपकी करुणा, दया हो प्रभु जी। आपकी कृपा दृष्टि हर एक के जीवन पर हो परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन को आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो कोई भी प्रभु अपने जीवन से प्रभु आप से जो विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी पिता, उनकी विनती प्रार्थनाओं को पिता मैं यीशु मसीह आपके सम्मुख लेकर आती हूँ यीशु, कि उन विनती प्रार्थनाओं को उत्तर आप दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपसे मांगती हूँ कि प्रभु जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आप उनके जीवन में प्रभु दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए प्रभु पिता। हर एक को आप अपनी सुख समृद्धि से भरे परमेश्वर पिता, अपनी आशीषों से भरे प्रभु। हर एक को हर एक नज़र से, खतरे, मुसीबतों से, जानलेवा बीमारियों से प्रभु हर एक के जीवन को आप बचाएं प्रभु। हर एक के जीवन में आप सफलता को दीजिए। हर एक के जीवन में प्रभु आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को दीजिए प्रभु जी। हर एक के कारोबार पर आप आशीष दीजिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु कर्जे से बचाएं परमेश्वर पिता। यदि किसी के ऊपर कर्जा है प्रभु यीशु, तो उन कर्जों को आप परमेश्वर चुकाएं परमेश्वर प्रभु। यदि अभी इस समय कोई भी बीमार है, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, यीशु आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी, और उन्हें छू कर चंगा कर दीजिए प्रभु पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, और पूर्ण रीति से चंगाई आप हर एक को दे दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो तुझसे विनती निवेदन कर रहे हैं, संतान के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में संतान की आशीषें दे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के कारोबार पर प्रभु आपके नामो नाम आशीष चाहते हैं प्रभु पिता। जो अपने जीवन में प्रभु निराश है प्रभु, निराशाओं में प्रभु आप उन्हें पिता अपनी आशा को दीजिए प्रभु। उनके प्रार्थना को सुने प्रभु, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु
कि प्रभु आप हर एक की पढ़ाई लिखाई में सहायता और मदद करें, प्रभु हर एक को आप अच्छा जॉब प्रदान करें, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी आप पारिवारिक खुशियों को दें परमेश्वर पिता, परिवार में आने वाली जो मनमुटाव होते हैं प्रभु, परिवार में आने वाली टेंशन्स होती हैं प्रभु, शैतान की विपत्तियां जो होती हैं प्रभु, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है उन सबको दूर करके आप अपने आनंद को परिवारों में दें प्रभु, मेल मिलाप हर एक के जीवन में दें प्रभु पिता, रिलेशनशिप में प्रभु मेल मिलाप दीजिए, प्रेम दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु जो माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चिंतित हैं प्रभु, आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करें, उनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु, आज के दिन पर भी जो कोई भी प्रभु चिंताओं में रहा हो प्रभु, उन चिंताओं को आप उनके जीवन से दूर करें प्रभु, विशेषकर हम आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते, आज दिन भर में प्रभु चाहे कितने भी दुख से लोग गुजरे हों प्रभु यीशु, तुझसे प्रार्थना है उन दुखों को उनके जीवन से दूर कर, और प्रभु हम उनके विनती प्रार्थना उनके निवेदनों को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु पिता, जो समस्याएं लोगों के जीवनों में आती हैं प्रभु आप उन समस्याओं को दूर करें, और आज की रात में सुकून भरी नींद प्रभु हर एक को प्रदान करें प्रभु जी पिता, मीठी और अच्छी नींद हर एक को दें प्रभु, जो डिप्रेशन लोगों के जीवन में आते हैं, टेम्पटेशन लोगों के जीवन में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, इनसे आप छुटकारा दें प्रभु, प्रभु जो कोई भी नशे में है प्रभु नशे से आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु लड़ाई झगड़ों से आप प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु, पारिवारिक कलेश से आप छुटकारा दीजिए प्रभु, धन्यवाद हर एक के जीवन पर आपकी आशीष को मांगते हैं, धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।